to Sunny Seam's International School of Astrology. Join in and learn free astrology. Om Shri Ganeshaya Namaha. Pandit Roop Chand Joshi Ji ko main barambar pranam karta hoon. Well, Lal Kitab ko pranam karta hoon. Mitro, आज बात हो रही है शनि खाना नंबर दो की. दूसरा घर बृहस्पति का पक्का घर है, इसलिए दूसरे घर में बैठे हुए शनि को गुरु शरण में कहा जाता है. यानी वह ग्रह यानी बृहस्पति की शरण में बैठा हुआ माना जाएगा. मित्रों, दूसरा घर हमारी वाणी का है. ऐसा आदमी वाणी में थोड़ा तीखा बोलता है, ये मान लो थोड़ी चुभती हुई बातें करेगा, उसकी वाणी लोगों के दिलों में अच्छा स्थान नहीं बना पाएगी. बोलेगा तो वो सही है, अपने लॉजिक की बात बोलेगा, लेकिन लोगों को उसकी बात चुभेगी. और ऐसा जातक अगर शराब मांस इत्यादि खाने का शौकीन हुआ तो उसको शनि का बुरा फल मिलेगा. शनि दूसरे घर में हो और शुक्र सातवें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति में अपने जीवन में जीने की इच्छा बहुत प्रबल होती है. ऐसा व्यक्ति बाहर से देखने में तो इतना प्रभावशाली सा नहीं लगता, बेशक वह बुद्धू सा भी लगे, मगर वह अपनी शक्ति और अकल के बलबूते पे बहुत बड़े बड़े काम कर देता है. दूसरे घर में जब शनि ठीक हालत में हो तो ऐसे व्यक्ति में संन्यास या इसकी जिंदगी में क्या पड़ा है, इस तरह की उदासी की भावना पैदा होती है कि पूछो ना. ऐसी हालत में यदि खाना नंबर 8, 9, 10 या 12 में कोई ग्रह हो तो ये उदासी बहुत ज़्यादा हो जाती है. कभी कभी व्यक्ति का मन इस दुनिया में से बिल्कुल टूट सा जाता है. शनि दो के समय यदि चंद्र अच्छी हालत में हो तो माता का सुख और उसकी उम्र लंबी होती है. अगर पिता पर भी इसका शुभ असर नहीं रहता. शनि दो के समय यदि बृहस्पति चौथे घर में हो तो ऐसे जातक में अकल की बारीकी और आध्यात्मिक शक्ति भी होती है. अब लाल किताब में लिखा हुआ है, पांव नंगे मंदिर जो तुम भूल कहता, जहर बाकी कोई बलाए ना बलाए का ना रहता. कहने का तात्पर्य यह है, अगर ऐसा जातक नंगे पांव जाकर मंदिर में अपनी की हुई गलतियों की माफी मांगे तो उसको माफी मिल जाएगी, वह उस शनि का उसको बढ़िया फल मिलेगा. शनिचर की मुतलका चीजों पर जाति असर का फैसला खान नंबर 8 के ग्रहों का शनिचर नंबर 2 तालु की अच्छी बुरी हालत पर होगा. दिमागी खान नंबर 7 शुक्र से मुश्तरका जिंदगी बढ़ने की ख्वाहिश तरक्की से मुराद हो, उम्र लंबी से मतलब ना लेंगे
बात को मुंह की हवा से ही ताड़ लेगा। जिस्म पर हर मुसाम से तीन बाल पैदा होंगे तो खुदा प्रस्त पूजा पाठी भक्त लोग तिलक की जगह तेल लगाना गैर मुबारक होगा। ऐसे जातक को दूध या दही का तिलक लगाना बहुत बढ़िया फल देता है। भूरी भैंस की सेवा करना बढ़िया फल देगी। शनि दो वाले को मकान जैसा और जब बने उसको बनने देना चाहिए, बढ़िया फल देता है। बृहस्पति दस में हो तो ऐसा जातक सोचकर खर्च करने वाला दौलतमंद होगा व कंजूस भी होता है। शनि नंबर दो के समय चंद्र अच्छी हालत में बैठा हो तो माता का सुख व उम्र लंबी होती है। शनि दो के समय यदि केतु आठवें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति बच्चों के ख्यालात का यानी बहुत ही भोली तवीत वाला व्यक्ति होता है। शनि दस के समय ऐसा जातक कर्म धर्म करने वाला व धर्मात्मा आदमी होता है। शनि दो के समय यदि बुध बारह में हो तो बुध की आयु यानी 34 साल में पैदा हुई लड़की अपने ससुराल के लिए बहुत उत्तम फल देगी। दूसरे घर में बैठा हुआ शनि यदि राशि के हिसाब से सूर्य आदि की दृष्टि से खराब हो रहा हो तो शनि की चीजें जैसे मकान मशीन मोटर कार आदि खरीदने पर उसके ससुराल पर बुरा असर पड़ेगा। शनि नंबर दो के समय नंगे पांव में मंदिर जाना शनि के फल को शुभ कर देगा। अगर पहली औलाद हुई बारहवें घर में बुध हुआ तो वो औलाद लड़की के मां बाप को दे दें तो दोनों परिवार खूब तरक्की करेंगे। शनि दो के समय यदि राहु आठवें घर में हो तो उसके ससुराल घर में मर्दों की कमी होती है। अगर राहु बारहवें घर में हुआ तो ससुराल घर में दौलत की कमी रहेगी। दूसरे घर में शनि हुआ तो ऐसा जातक ताश या जुआ आदि भी खेलता है और कई बारी मानसिक तौर पर वहम भी किसी न किसी रूप से खड़ा कर लेता है। वह जुए में बहुत कुछ हार जाता है। कई बारी राहु अष्टम में हुआ तो ऐसा जातक वहमी होगा। शनि और चंद्र की ज्योति दो में हुई तो ऐसा जातक हमेशा डबल माइंडेड रहेगा, कभी किसी की सलाह लेगा कभी किसी की। शनि दो के समय यदि सूर्य बुध और बृहस्पति अष्टम भाव में हो तो ऐसा जातक उदासी से भरा होता है, उसमें उदासी की भावना पैदा होती है। सूर्य आठ हुआ तो ऐसे जातक पर कई बार झूठे आरोप भी लगते हैं। शनि के साथ अगर राहु हुआ तो ऐसा आदमी कई बार अमीर बहुत होता है। ऐसा जातक अगर शराबी में मांसाहारी हुआ तो उसका असर उसके पिता पर पड़ता है। ऐसे जातक को जहरीले जानवरों के काटे विष को उतारने वाला हकीम भी बोला जाता है। सांप को मारने से पुत्र पर कष्ट आता है। अगर ऐसा जातक रात में मकान की नींव या मकान पूर्ण होते हुए जातक को छत से गिरे
ईंट द्वारा घायल होना पड़ता है अगर मकान की नींव रात को रखेगा। ऐसे जातक के लिए रात को पिया हुआ दूध जहर का काम करता है। अगर ऐसे जातक की छाती पर बाल कम हुए तो किसी पर विश्वास नहीं करेगा। अगर जातक की कुंडली में चंद्र चार या दसवें हो, कहने का तात्पर्य यह है चंद्र चार या दसवें हुए तो माता खानदान का बचाव होता रहेगा, परंतु माता पर कष्ट रहेगा। अब बात आती है शनि दो के अच्छे फल लेने के लिए क्या उपाय किए जाएं। शाम को दूध पिलाया जाए, मजदूर मछली भैंस कोए को भोजन देना शुरू करें तो बढ़िया फल मिलेगा। रात को दूध ना पियो, दही का तिलक लगाएं, सर में कभी तेल ना लगाएं। शनिवार को तेल का दान कभी भूल कर भी ना लें तो आपको शनि के संबंधी बढ़िया फल मिलेंगे। तो मित्रों, ये था शनि दो का फल। अगर आप भी चाहते हैं आप किसी अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखाना, तो किसी अच्छे लाल किताबी से परामर्श ले सकते हैं या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।